आज हम यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स करेंगे लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में आ, ऐसे एलिमेंट्स को हम पढ़ेंगे जहाँ पर लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री कहाँ होती है एफ ब्लॉक के अंदर एफ़ ऑर्बिटल के अंदर तो लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ एफ़ ऑर्बिटल के अंदर आता है ठीक है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स के अंदर लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है कहाँ पर आता है एफ ऑर्बिटल के अंदर और ऐसे एलिमेंट्स क्या कहलाते हैं एफ ऑर्बिटल एलिमेंट्स एफ ऑर्बिटल बाइटल एफ ब्लॉक एलिमेंट्स एफ ब्लॉक एलिमेंट्स ये एलिमेंट्स यहाँ पर हमारे पास में किस तरह के कि एलिमेंट्स हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में लाई कर रहे हैं ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाएँगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स ठीक है इनर ट्रांज़िशन एलिमेंट्स कहलाते हैं ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बीच में ये लाई करते हैं इसी वजह से इनके पोजिशन की वजह से ये इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं जिसमें दो सीरीज़ के अंदर इनको डिवाइड किया हुआ है कौन सी दो सीरीज़ हैं यहाँ पर लेंथनोइड सीरीज़ और एक्टेनोइड सीरीज़ जिसमें से आज हम यहाँ पर इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में लेंथनॉइड सीरीज़ करने वाले हैं ठीक है लेंथनॉइड सीरीज़ है और दूसरा हमारे पास में यहाँ पर एक्टेनोइड सीरीज़ है लेंथनोइड सीरीज़ एक्टेनॉइड सीरीज़ इसमें से लेंथनॉइड सीरीज़ जो है हम आज करेंगे तो लेंथनॉइड सीरीज़ के अंदर टोटल फोर्टीन एलिमेंट्स हैं यहाँ पर टोटल फोटीन एलिमेंट्स हैं लैंथेनम से स्टार्ट है ये सीरीज यहाँ पर और एक्टिनोइड्स में भी फोटीन एलिमेंट्स हैं टोटल और एक्टिनियम से ये सीरीज स्टार्ट हो रही है यहाँ पर भी फोटीन एलिमेंट्स हैं लेंथिनम से और ये एक्टिनियम से एक्टिनोइड सीरीज स्टार्ट होएगी लेंथेनोइड्स आपस में बहुत ज़्यादा रिजेंबल करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ज़्यादा रिजेम्बल करती हैं इनकी साइज़ की वजह से ठीक है तो इसमें अगर हम यहाँ पर इनकी ऑर्डनरी ऑक्सीडेशन स्टेट देखें ज़्यादातर वो कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो करते हैं एलिमेंट्स प्लस थ्री एक तरह की ही ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ज़्यादा शो करते हैं ये एलिमेंट्स सबसे पहले यहाँ पर लेंथेनोइड्स को पढ़ेंगे लेंथेनोइड्स जो हैं वो क्या एलिमेंट्स हैं तो के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फर्स्ट प्रॉपर्टी देखो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लैंथेनॉइड्स की क्या होगी यहाँ पर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एफ ऑर्बिटल के अंदर जा रहा है और सिक्स है इसमें टू इलेक्ट्रॉनस हैं फाइव डी के अंदर जीरो टू वन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है फोर एफ के अंदर वन से फोर्टीन इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है यहाँ पर लेंथ एंड की तो ये एलिमेंट्स में लास्ट इलेक्ट्रॉन की एंट्री जो है वो कहाँ पर हुई है फोर एफ और बाइटल के अंदर हुई है इसी वजह से ये एफ लॉक एलिमेंट्स के ला रहे हैं यहाँ पर तो इसमें यहाँ कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं कैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर लेंथेनॉइड्स की आ, हमारे पास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में सबसे पहला एटॉमिक नंबर लेंथेनॉइड्स में लेंथेनम से स्टार्ट होगा फ़िफ्टी सेवन एटॉमिक नंबर लेंथेनम ठीक है लेंथेनम का जो सिंबल है वो क्या है एल ए है और यहाँ पर ये अगर लेंथिनम जो है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखोगे तो फाइव डी वन सिक्स एस टू ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरे मान लो कि यहाँ पर हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करके प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके गए हैं या फिर लेंथेनम की प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके गए हैं लेंथिनम को प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके गए हैं ठीक है तो हमारे पास में यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी क्या होंगी ये देखना है अगर आ, प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में इसको लेके जाओगे यहाँ पर तो ये कितना रह जाएगा फाइव डी वन प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाओगे तो फोर एफ के अंदर ज़ीरो टोटल हमारे पास में फाइव डी और सिक्स एस ये तीन इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पूरा ख़त्म हो चुका है ठीक है तो कितना बचेगा हमारे पास में यहाँ पर फोर एफ़ में भी कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है यहाँ तो ये फोर एफ ज़ीरो वाला हमारे पास पहला लैंथेनम का एलिमेंट ट्रांजिशन एलिमेंट से बनेगा जो कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में फ़ोर एफ़ में कोई भी इलेक्ट्रॉन शो नहीं कर रहा है ठीक है यहाँ पर फोर एफ में तो फिलिंग हुई नहीं थी और तीनों इलेक्ट्रॉन्स हमने फाइव डी और सिक्स एस से रिमूव कर दिए तो फोर एफ में जीरो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर हो जाएगी इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट की कन्फिग्रेशन देखो यहाँ पर फिफ्टी एट फिफ्टी एट सीडियम है एलिमेंट सीरियम और सिंबल है इसका सीई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है यहाँ पर इसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो फोर एफ के अंदर आ चुका है और फाइव डी वन सिक्स एस टू ये ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ठीक है तो अगर दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे यहाँ पर तो ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से जाएगा हमारे पास इनमें लेंथिनम में जैसे हमने यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा था तो ये फाइव डी वन बना था यहाँ पर सीरियम में अगर हम दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी फोर एफ टू ठीक है सिक्स एस से दो इलेक्ट्रॉन उड़ गया और फाइव डी का एक इलेक्ट्रॉन फोर एफ़ में पहुंच के फोर एफ़ टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दे रहा है प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से गायब होगा तो फोर एफ़ वन में आपने फोर एफ ज़ीरो देखी थी यहाँ पर तो जो लैंथेनॉइड्स में सेकेंड एलिमेंट सीरियम है फिफ्टी एट नंबर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर फोर एफ में कितना इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन शो कर रहा है यहाँ पर फोर एफ वन अगर ये भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव करेंगे तो फोर एफ के अंदर जीरो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर फिफ्टी नाइन एटॉमिक नंबर है इसका नाम क्या है यहाँ पर ठीक है तो ये लिखो यहाँ पर प्रेसोम और एलिमेंट का सिंबल क्या है पी आर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी यहाँ पर फोर एफ थ्री सिक्स एस टू फोर एफ थ्री सिक्स एस टू तो एक इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर हमने कहाँ पर इंक्रीज किया है देखो जो फाइव डी का एक इलेक्ट्रॉन था वो यहाँ पर बढ़ा और साथ में एक इलेक्ट्रॉन एटॉमिक नंबर के साथ में इंक्रीज करा तो फोर एफ़ में थ्री इलेक्ट्रॉन्स और सिक्स एस में टू इलेक्ट्रॉन ठीक है ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर जो है फिफ्टी नाइन नंबर के लिए प्रेस हुई प्रीमियम इसके लिए होगी और अगर यहाँ से हम मान लो कि दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स सिक्स एस से जाएंगे फोर एफ़ थ्री हो गया यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तीन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो फोर एफ में टू इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो फोर एफ में वन इलेक्ट्रॉन हो जाएगा ठीक है इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर है सिक्सटी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर नियोडाइमियम नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर नियोडाइमियम तो इसका सिंबल क्या होगा यहाँ पर ये एन डी होगा यहाँ पर और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी फोर एफ में फोर इसके आगे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर इंक्रीज करते हुए चलो जो फोर एफ थ्री हुआ था फोर एफ फोर कर दिया सिक्स एस टू कर दिया हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा तो फोर एफ फोर हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर तीन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करेंगे तो फोर एफ में री हो जाएगा और चार इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो फोर एफ में दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट एलिमेंट है प्रोमीथियम सिक्सटी वन नंबर के लिए प्रोमीथियम प्रोमीथियम सिंबल क्या है प्रोमीथियम का pm एम और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी इसके लिए फोर एफ़ में फाइव इलेक्ट्रॉन्स सिक्स एस में टू इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन सिक्स एस से यहाँ पर उड़ गए तो फोर एफ में फाइव इलेक्ट्रॉन्स और तीन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अगर बाहर निकालोगे तीन इलेक्ट्रॉन्स तो फोर एफ़ फोर यहाँ पर बचेगा ठीक है इस तरह से नेक्स्ट एलिमेंट ये जितना ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर शो कर रहा है उतनी ही आपको ध्यान रखनी है ठीक है अपने हिसाब से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज नहीं करना है जो आयन यहाँ पर बन रहे हैं वही बनेंगे केवल तो प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट तक ही यहाँ पर प्रोमिथियम ने शो करा है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये यह शो नहीं कर रहा है इसके बाद नेक्स्ट क्या है सिक्सटी टू एलिमेंट जो है वो है सैमेरियम सेमेरियम का सिंबल क्या होगा एस एम और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगी फ़ोर एफ़ में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है सिक्स एस में टू इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें यहाँ पर तो फोर एफ़ में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर फोर एफ़ के अंदर फाइव इलेक्ट्रॉन्स हो गए इसी तरह से नेक्स्ट एटॉमिक नंबर के लिए सिक्सटी थ्री के लिए यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी यूरोपियम यूरोपियम के अंदर हमारे पास में यहाँ पर ई यू सिंबल है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा यहाँ पर फोर एफ़ सेवन सिक्स एस टू दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो फोर एफ़ सेवन ये यहाँ पर फोर एफ़ सेवन जो बन रहा है ये स्टेबल हाफ फिल्ड स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर ये शो कर रहा है फोर एफ सिक्स अगर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव किया यहाँ पर इसी तरह से नेक्स्ट एलिमेंट क्या है यहाँ पर गैडोलिनियम 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 के अंदर सिंबल क्या है इसका जी डी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी फोर एफ में सेवन इलेक्ट्रॉन्स है फाइव डी के अंदर वन है और सिक्स एस के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं। जब यहाँ हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करा तो ये दो इलेक्ट्रॉन्स सिक्स एस से निकले फोर एफ़ में सेवन इलेक्ट्रॉन्स फाइव डी जो है यहाँ पर वन इलेक्ट्रॉन बचा फिर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो फोर एफ़ में सेवन ये फिर से गैडोलिनियम जो है अपनी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हाफ फिल्ड एफ़ ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी शो कर रहा है ठीक है हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी यहां पर एफ ऑर्बिटल -or, की शो करेगा सिक्सटी फाइव अटोमिक नंबर जो है वो किसका है यहां पर टर्बियम का टर्बियम टर्बियम का सिंबल जो है ई e, बी और इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन यहां पर क्या होगी इसकी फोर एफ के अंदर फोर एफ में नाइन इलेक्ट्रॉन्स हैं ठीक है थीके? और सिक्स एस के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं अभी ये वाला जो यहाँ पर चेंज देख रहे हो इसमें क्यों हो रहा है ये वाला चेंज इसमें ये देखो क्योंकि गैडोलिनियम के अंदर एफ़ ऑर्बिटल में हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आनी थी ठीक है इसमें यहाँ पर फोर एफ सेवन के कारण हाफ फील्ड स्टेबिलिटी आनी थी तो इसने फाइव डी में एक इलेक्ट्रॉन को पहुंचाया इसी वजह से लेकिन नेक्स्ट टर्बियम में एक इलेक्ट्रॉन जो है फोर एफ़ में ही है और एक एक्स्ट्रा जो है वो हमने यहाँ पर एटॉमिक नंबर बढ़ने के कारण लिखा तो फोर एफ नाइन सिक्स एस टू इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई यहाँ पर ठीक है ये समझ में आ गया फाइव डी यहाँ पर भी क्यों आया है और उसके बाद ये यह अगर यहाँ से हमने प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में लेके जाएंगे तो प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन जो है वो क्या हो जाएगी फोर एफ में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितना प्रेजेंट है नाइन यहाँ पर नाइन इलेक्ट्रॉन्स है और फोर एफ के अंदर यहाँ पर एट इलेक्ट्रॉन्स है अगर दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे ठीक है तो यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद क्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनेगी दो इलेक्ट्रॉन्स जब हमने प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए रिमूव करे तो सिक्स से दो इलेक्ट्रॉन हटाए फोर एफ नाइन हो गई तीन इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो सिक्स एस से दो इलेक्ट्रॉन और फोर एफ़ से एक इलेक्ट्रॉन फोर एफ एट एट यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी और इसके बाद यहाँ पर फोर एफ़ में सेवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी तो फिर से यहाँ पर यह हाफ फिल स्टेबिलिटी जो है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर टर्बियम शो कर रहा है ठीक है जहाँ पर भी हमारे पास में हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी आ रही है जैसे ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर तो वो हाफ फील्ड स्टेबिलिटी लेके आ रही है ठीक है वो ऑक्सीडेशन स्टेट वहां पर स्टेबल बन रही है इसके बाद सिक्सटी सिक्स एटॉमिक नंबर के लिए डिस्पोजियम डिस डिस्प्रोसियम और एलिमेंट का नाम क्या हो जाएगा यहाँ पर डी वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या होगी इसके अंदर फोर एफ़ में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा यहाँ पर <coughs> तो फोर एफ़ में टेन इलेक्ट्रॉन्स हो गए और सिक्स में टू इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पर जब दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करोगे तो फोर एफ से दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव होंगे फोर एफ़ में टेन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई यहाँ पर और इसके बाद एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो फोर एफ़ में नाइन और एक और रिमूव करोगे इलेक्ट्रॉन तो प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में जाने के लिए फोर एफ एफ में एट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर हो जाएगी ठीक है सिक्सटी सिक्स एटॉमिक नंबर के लिए तो ये सिक्सटी सिक्स एटॉमिक नंबर के लिए हमने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखी है इसके बाद देखो यहाँ पर सिक्सटी सेवन एटॉमिक नंबर के लिए हॉलमियम हॉलमियम का सिंबल एच ओ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है फोर एफ़ के अंदर इलेवन इलेक्ट्रॉन्स हैं सिक्स एस के अंदर टू इलेक्ट्रॉन्स हैं और फोर एफ़ का इलेवन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद ये फोर एफ़ में टेन हो जाएगा तीन इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करने के बाद नेक्स्ट सिक्सटी एट नंबर के लिए इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन है अरबियम के लिए अरबियम सिंबल क्या है इसका e, R, और इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन फोर एफ में ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स सिक्स में टू इलेक्ट्रॉन्स यहां पर जो फोर एफ है अरबियम के अंदर कितना इलेक्ट्रॉन्स आ रहा है ये ट्वेल्व आ रहा है ठीक है दो इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करें और तीन करोगे तो यहाँ पर अर्बियम प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में फोर एफ एलैन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा इसी तरह से सिक्सटी नाइन अटामिक नंबर के लिए देखो यहाँ पर ये यह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है यहाँ पर थूलियम के लिए इतना आ, सिंबल जो है इसके लिए टी एम होगा क्योंकि ये सभी आपके लिए याद करने बहुत ज़रूरी है फ़र्स्ट टाइम आप यहाँ पर आ, क्लास ट्वेल्व में लेंथन कर रहे हो तो इनके सिंबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनकी रिस्पेक्टिव ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबिलिटी कौन सी होगी किस ऑक्सीडेशन स्टेट में ज़्यादा स्टेबिलिटी आई क्यों आई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वहाँ पर कैसे चेंज हुई है ठीक है इस वजह से ये टेबल करनी बहुत ज़रूरी है और उसके बाद इसी टेबल से हम एटॉमिक और आयनिक रेडियाई भी रिलेट करेंगे तो ये टेबल इसलिए ज़रूरी है यहाँ पर अच्छे से करनी तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी फोर एफ़ के अंदर एक इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ कर दो थर्टीन सिक्स एस ने टू और उसके बाद यहाँ पर फोर एफ़ में ये कितना हो जाएगा यहाँ पर थर्टीन दो इलेक्ट्रॉन रिमूव किए हैं और यहाँ पर फोर एफ़ के अंदर ट्वेल्व इलेक्ट्रॉन्स ठीक है सेवेंटी एटॉमिक नंबर के लिए देखो यहाँ पर सेवनटी एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पर एट्रेबियम का इटरबियम का है ये तो ये इसका सिंबल क्या होगा यहाँ पर इटरबियम में हमारे पास जो सिंबल है इसका वाई बी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फोर एफ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो रहा है सिक्स एस टू दो इलेक्ट्रॉन रिमूव करे तो ये फुलफिल्ड एफ और बाइटल की स्टेबिलिटी यहाँ पर इट्रबियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में शो करेगा अगर एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो फोर एफ से थर्टीन इलेक्ट्रॉन्स uh, हमें यहाँ पर मिलेंगे ठीक है तो ये यह यहाँ पर लास्ट एलिमेंट जो है लास्ट एलिमेंट अब यहाँ पर ल्यूटिशियम है सेवेंटी वन एटॉमिक नंबर जो है वो ल्यूटिशियम का है ल्युटीशियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी उसमें फ़ोर एफ़ तो फुलफ़िल्ड है ही यहाँ पर एक सिक्स एस टू भी पूरा फुलफिल्ड है तो एक इलेक्ट्रॉन जो नेक्स्ट है वो कहाँ पर जाएगा फाइव डी के अंदर जाएगा ये किसकी कन्फिग्रेशन हो गई ल्यूटिशियम की एल यू सिंबल है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में सिक्स एस से यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगी फोर एफ़ में फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स फ़ाइव डी के अंदर वन इलेक्ट्रॉन और यहाँ पर फोर एफ के अंदर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन्स तो इसके अंदर यहाँ प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में ये एफ़ और बाइटल के अंदर फोर्टीन इलेक्ट्रॉन से कम्प्लीटली फिल्ड स्टेबिलिटी यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर आ रही है ठीक है ये सारे एलिमेंट्स जो हैं अभी हमारे पास ने यहाँ पर लेंथिनम से ल्यूटिशियम के अंदर अभी ये ऑक्सीडेशन स्टेट और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के टर्म्स में हमने यहाँ पर सारे एलिमेंट्स देख लिए ठीक है एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई जो है वो यहाँ पर कैसे वेरी करेगा इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की लेंथनॉइड सीरीज के अंदर ठीक है तो ये देखो सबसे पहले यहाँ पर तो एटॉमिक रेडियाई और आयनिक रेडियाई के अंदर हमें यहाँ पर क्या चीज़ पढ़नी है कि जितना इलेक्ट्रॉन्स हम यहाँ पर देख रहे हैं एंट्री इलेक्ट्रॉन्स की लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास में कहाँ पर जाके एंटर हो रहा है फोर एफ़ के अंदर ठीक है लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है वो हमारे पास में यहाँ पर फोर एफ़ के अंदर एंटर हो रहा है और फ़ोर एफ़ के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो क्या करते हैं फोर एफ़ के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट शो करते हैं तो जो लास्ट इलेक्ट्रॉन हमारे पास में एफ़ ऑर्बिटल के अंदर गया है ये लास्ट इलेक्ट्रॉन इन एफ ऑर्बिटल ये क्या करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स इन एफ ऑर्बिटल क्या करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट ये हमने पहले भी पढ़ा था और अभी दोबारा देख रहे हैं यहाँ पर पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स फोर एफ के इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट के कारण जो अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स है या जो हमारे पास में जेड इफेक्टिव है यहाँ पर ठीक है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस बाय द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन वो जो है बाहर वाला इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा अच्छे से एक्सपीरियंस करेगा जिसकी वजह से चार्ज क्या होगा यहाँ पर चार्ज न्यूक्लियर चार्ज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे बढ़ेगा और साइज़ क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा ठीक है रेडियस क्या कर रहा है लेंथेनाइट और लेंथनाइट सीरीज के अंदर डिक्रीज कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री हम कहाँ पर करा रहे हैं फोर एफ के अंदर जो पुअर शील्डिंग करते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट के कारण न्यूक्लियस अपना पूरा होल्ड नहीं कर पाएगा बाहर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन पर जिसकी वजह से साइज़ यहाँ पर क्या कर जाएगा रिड्यूस कर जाएगा ठीक है रेडियस यहाँ पर डिक्रीज करेगा और ये यही इफेक्ट यहां पर क्या कहलाता है यही इफेक्ट कहलाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन इसी इफेक्ट को क्या बोलते हैं लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन ठीक है इस इफेक्ट को बोलते हैं यहां पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या हुआ लेंथिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन हुआ कि जब हमने एफ़ ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की एंट्री की है तो ड्यू टू पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ डी फोर एफ़ इलेक्ट्रॉन्स पुअर शील्डिंग इफ़ेक्ट ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्या होगा लैंथेनॉइड्स का एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जो है वो डिक्रीज़ करेगा ठीक है यहाँ पर अट्रैक्शन पहले न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिक्रीज करेगी इंक्रीज करेगी सॉरी अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में अट्रैक्टिव फोर्स इंक्रीज करेगी तो एटॉमिक या आयनिक रेडियाई यहाँ पर क्या कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा एटॉमिक और आयनिक रेडियाई क्या करेगा यहाँ पर डिक्रीज करेगा ठीक है तो ये यह यहाँ पर हमारे पास में लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्यों होता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है यूनिक प्रॉपर्टी है लेंथेनॉइड की जिसकी वजह से ये या एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज शो करते हैं लेंथेनम से ल्यूटीशियम में एटॉमिक और आयनिक रेडियाई का डिक्रीज ही लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है ठीक है तो ये यहाँ पर डिक्रीज जो है वही क्या कहलाता है लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन कहलाता है पुअर शील्डिंग इफेक्ट ऑफ फोर एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से अभी यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन जो हो रहा है ये लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आ, क्या क्या इफेक्ट पड़ेंगे लेंथ सीरीज पर ठीक है लेंथ सीरीज़ के एलिमेंट्स में यहाँ पर इससे क्या क्या कंसिकुनस होंगे तो सबसे पहले यहाँ पर हम कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन में पहला इसका कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे कंसिक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के अंदर पहला कंसीक्वेंसेस यहां पर क्या होगा तो आ, सबसे पहला यहां पर लैंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन का कंसीक्वेंसेस में रीजन क्या है और आ, क्या कंसीक्वेंसेस है कि जो बेसिक कैरेक्टर था यहां पर ऑक्साइड्स का और हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड्स कौन से ऑक्साइड्स लैंथेनम के ऑक्साइड्स या लेंथेनम के हाइड्रोक्साइड्स इनका बेसिक करेक्टर क्या करता है बेसिक करेक्टर डिक्रीज करता है ठीक है डिक्रीज करता है अब ये तो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से पहला कॉन्सिक्वेंस हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है लेकिन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रेक्शन से ऐसा क्यों हुआ क्योंकि जब हम यहाँ पर लेंथेनॉइड और हाइड्रोक्साइड बॉन्ड देखेंगे इनके बीच में जो बॉन्ड यहाँ पर बन रहा है ये कोवलेंट नेचर धीरे धीरे इंक्रीज़ हो रही है जैसे जैसे हम यहाँ पर लैंथेनम से ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड पर मूव करेंगे ल्यूटीशियम हाइड्रोक्साइड तक मूव करेंगे तो यहाँ पर कोबलेंट नेचर जो है इसकी इंक्रीज़ करेगी कोबलेंट नेचर यहाँ पर इंक्रीज़ करेगी ठीक है कोवलेंट नेचर क्या करेगी यहाँ पर इंक्रीज करेगी जब कोवलेंट नेचर इंक्रीज करती है तो बेसिक करेक्टर क्या करता है वहां पर डिक्रीज करता है बेसिक करेक्टर क्या करता है डिक्रीज करता है तो ये यह यहाँ पर इसका पहला कंसीक्वेंस हो गया ठीक है उसके बाद सेकेंड कंसीक्वेंसेस में यहाँ पर Uh, देखो कौन सा जो है कॉन्सिक्वेंस है कि जो सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज थी हमारे पास में सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज सेकंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर जो इनके आयनिक रेडियाई होंगे वो बहुत ज़्यादा आपस में सिमिलैरिटी शो करते हैं ठीक है थीके? ये यहाँ पर इसका सेकंड कॉन्सिक्वेंस होगा सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के अंदर सिमिलैरिटी इन एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई सिमिलैरिटी इन सिमिलैरिटी इन साइज़ एंड रेडियाई ये यहाँ पर क्यों शो करते हैं क्योंकि लेंथनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से जितना साइज़ सेकेंड से थर्ड सीरीज़ में जाने पर बढ़ना चाहिए था वो बढ़ ही नहीं पाता है वहाँ पर ठीक है ये वजह से यहाँ पर हम एक नॉर्मल इंक्रीज कैंडियम से कैंडियम से जब हम मूव करते हैं ना उसकी सीरीज में लेफ्ट टू राइट के अंदर तो स्कैंडियम से लेंथनियम तक तो हमें साइज़ का इंक्रीज देखने को मिलता है कैंडियम से लेंथनम तक लेकिन लेंथनम के बाद जो है यहाँ पर साइज़ में कोई भी आ, हमें फ़र्क दिखाई नहीं देता है ठीक है ये यह यहाँ पर साइज डिक्रीज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से हुआ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से और थर्ड सीरीज के एलिमेंट्स का साइज जो है वो लगभग सेम हो जाता है। इसी वजह से यहाँ पर कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट्स ऐसे बनेंगे जैसे कि जर्कोनियम और नायोबियम नायोबियम और के साथ में यहाँ पर ये नायोबियम के साथ में यहाँ पर टी ए ये यहाँ पर किस तरह के आ, एलिमेंट्स हम यहाँ पर ले रहे हैं जैसे मॉलीबिडनम और टंगस्टन डब्लू इनका साइज लगभग एक जैसा ही है आइडेंटिकल है ऑलमोस्ट आइडेंटिकल इन साइज ठीक है इनकी प्रॉपर्टीज़ भी बहुत ज़्यादा आपस में मिल रही हैं जिसकी वजह से इनका सेपरेशन जो है वो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है और इन एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं केमिकल ट्विन्स बोलते हैं केमिकल ट्विंस बोलते हैं ये भी एक लेंथन कॉन्ट्रैक्शन का कॉन्सिक्वेंस है ये पेयर ऑफ एलिमेंट्स जर्कोनियम और हॉफनियम का तो बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है ठीक है मॉलीबिडम टंगस्टन और ये सभी एलिमेंट्स यहाँ पर सिमिलर साइज शो करते हैं किस वजह से इनकी प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर सेम हो जाती हैं सेपरेशन डिफिकल्ट हो जाता है थर्ड यहाँ पर जो है कंसीक्वेंस क्या होगा थर्ड कंसिक्वेंस देखो यहाँ पर कंसीक्वेंसेस ऑफ लेंथेनॉइड एन कॉन्ट्रेक्शन के अंदर सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड अगर साइज़ बहुत ज़्यादा सिमिलर हो रहा है यहाँ पर लेंथ कॉन्ट्रेक्शन के अंदर एलिमेंट्स का पूरी सीरीज में तो हम यहाँ पर जब सेपरेट करेंगे एलिमेंट्स को अलग करना चाहेंगे तो एलिमेंट्स की सेपरेशन में बहुत डिफिकल्टी आती है ठीक है पूरा सेपरेट टॉपिक है ये यह, यहाँ पर सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइडस सेपरेशन ऑफ लेंथेनॉइड्स तो लेंथन की जो सेपरेशन है वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाती है लेंथ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से क्योंकि इनके साइज़ में डिफरेंस बहुत ज़्यादा कम है इनकी प्रॉपर्टीज़ के बीच में बहुत ज़्यादा कम डिफरेंस है जैसे कि सॉलीबिलिटी है हाइड्रेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन तो डिफरेंस नहीं होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ के अंदर तो फिर सेपरेशन क्या हो जाएगा लेंथन को एक दूसरे से सेपरेट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा ठीक है तो यहाँ पर हम जो है आयन एक्सचेंज मेथड को यूज करते हैं कई बार इनकी सेपरेशन को करने के लिए लेंथेनॉइड्स की को सेपरेट करने के नेक्स्ट यहाँ पर जो प्रॉपर्टी हमें पढ़नी है वो है ऑक्सीडेशन स्टेट तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर लैंथेनॉइड्स सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस टू और प्लस फोर भी शो करेंगे लेकिन सबसे ज्यादा कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट और मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है लेंथनोइड्स की वो प्लस थ्री है ठीक है तो यहाँ ये आ, प्लस टू और प्लस फोर शो करेंगे लेकिन फिर कोशिश हमेशा क्या करते हैं कि प्लस थ्री में ही जाके कन्वर्ट हो जाए जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं ये जो हमने एलिमेंट्स यहाँ पर लिखे थे ठीक है इसके अंदर आ, ये वाला एग्जाम्पल देखो सेमेरियम का तो सेमेरियम के अंदर हमारे पास में यहाँ पर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में सेमेरियम में प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो कर रहा है फोर सिक्स फोर एफ में सिक्स इलेक्ट्रॉन्स कन्फिग्रेशन शो कर रहा है यहाँ पर ठीक है यूरोपियम जो है वो अगर आ, दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा तो यहाँ पर आ, क्या शो कर रहा है फोर एफ़ सेवन ठीक है अगर ये एक एक इलेक्ट्रॉन और लूज़ कर दें यहाँ पर सेमेरियम जो है प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट से एक और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करके फोर एफ फाइव की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करेगा और फोर एफ सेवन से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ये फोर एफ सिक्स की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर शो कर रहा है ठीक है अभी इन दोनों चीज़ों से हमें यहाँ पर क्या पता चल रहा है कि ये एलिमेंट्स क्या कोशिश कर रहे हैं अपनी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में जाके ही ये स्टेबल हुए फाइनली यहाँ पर सेमेरियम और यूरेपियम के अंदर यहाँ पर स्टेबिलिटी कब आई जब ये अपनी प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में पहुँचे ठीक है आ, फोर एफ सेवन ने भी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करके किस में पहुंचा है ये आ, फोर एफ सिक्स के अंदर जबकि फोर एफ़ सेवन हाफ फिल्ड स्टेबिलिटी शो कर रहा था तो ये यहाँ पर किस तरह के रिएजेंट्स बनेंगे ये यहाँ पर फोर एफ़ सिक्स यूरोपियम और फ़ोर एफ़ फाइव की अगर बात करें तो ये यहाँ पर किस तरह के रिएजेंट्स रिड्यूसिंग एजेंट्स बनेंगे या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स बनेंगे तो ये रिड्यूसिंग एजेंट्स बनेंगे यहाँ पर ये रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है जो दूसरी स्पीशीज को रिड्यूस करे खुद क्या हो जाए ऑक्सीडाइज हो जाए ठीक है तो यहाँ फोर एफ सिक्स जो है और फोर एफ सिक्स और फोर एफ सेवन ये दोनों ही क्या कोशिश करें कि दूसरी स्पीशीज़ को रिड्यूस करें खुद ऑक्सीडाइज होके एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पर प्लस थ्री स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाए तो ये यह यहाँ पर ज़्यादा अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहे हैं अगर इसी तरह से यहाँ पर हम इट्रबियम को देखें इट्रबियम ये वाला इट्रबियम का एलिमेंट है यहाँ पर ठीक है इसने यहाँ पर प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर फोर एफ फोरटीन इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन शो करी ठीक है तो ये यह यहाँ पर कैसे काम करेगा फोर एफ ये फोर एफ़ जो है यहाँ पर एक रिडक्टेंट की तरह काम करेगा यानी रिड्यूसिंग एजेंट की तरह ही काम करेगा जो दूसरे को रिड्यूस करेगा और खुद ऑक्सीडाइज होगा क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन गेन तो कर नहीं सकता अभी ये इसका फुलफिल्ड है ऑर्बिटल यहाँ पर तो ये लूज ही कर सकता है और प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में गया ये ठीक है तो फोर एफ फोर्टीन में होने के बावजूद ये प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में जा रहा है तो फोर एफ फोर्टीन यहाँ पर क्या कहलाएगा फिर ये हमारे पास में क्या बना है यहाँ पर अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट बना है जिसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके यहाँ पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में फोर एफ थर्टीन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शो करी है ठीक है तो ये यह यहाँ पर जो है इट्रबियम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पर शो कर रहा है इट्रबियम प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में अगर टर्बियम को देखें टर्बियम टर्बियम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में टर्बियम जो है प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर हाफ फील्ड एफ और बाइटल जो है वो शो करेगा टर्बियम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर देखो यहाँ पर तो इसमें हाफ फील्ड एफ और बाइटल एक्ट्स जो ये यह कैसे यहाँ पर बिहेव करेगा टर्बियम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर एज आ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ठीक है टर्बियम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर यहाँ पर आ, किस तरह से बिहेव करेगा हम यहाँ पर टर्बियम को देखना था तो ये आ, हमारे पास में यहाँ पर ये टर्बियम है टर्बियम प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर प्लस टू प्लस थ्री प्लस फोर तो ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में कैसे बिहेव कर रहा है सेवन ऑक्सीडेशन सेवन जो है हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में पहुंच के प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में हाफ़ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की स्टेबिलिटी यहाँ पर ये यह शो कर रहा है और कैसे बिहेव कर रहा है ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पर काम कर रहा है ठीक है ऑक्सीडेंट की तरह यहाँ पर ये यह काम करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद यहाँ पर रिड्यूस हो जाए तो एक इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा यहाँ पर ये यह। ठीक है ऑक्सीडेंट की तरह यहाँ पर ये काम कर रहा है इसी तरह से सीरियम के अंदर प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर ये वाला एलिमेंट देखो फोर एफ जीरो जो है ये भी एक्वा सॉल्यूशन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन गेन करके प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेगा और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा और प्रेसोडीमियम जो है यहाँ पर ये प्लस फोर ऑक्सीडेशन स्टेट में यहाँ पर सॉल्यूशन के अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करेगा ये भी यहाँ पर क्या कोशिश करेगा कि दूसरे को ऑक्सीडाइज करे खुद क्या हो जाए यहाँ पर रिड्यूस हो जाए एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके 4f2 में कन्वर्ट हो जाए तो जितने भी हम यहाँ पर ये सभी इलेक्ट्रॉनिक uh, कन्फिग्रेशन के अलग अलग यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजेस देख रहे हैं वो क्या बता रहे हैं यहाँ पर कि हर तरीके से ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो कौन सी स्टेबल है हमारे पास में सभी तरीके अगर देखें यहाँ पर प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट सब में स्टेबिलिटी लेके आ रही है ठीक है वही हमने अलग अलग जो है इलेक्ट्रॉनिक uh, कन्फिग्रेशन कुछ एलिमेंट्स की देखी ठीक है जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ पर वो एलिमेंट्स की हमने ऑक्सीडेशन स्टेट देखी है कि प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट में वो स्टेबल होने के बावजूद भी प्लस थ्री में जाना चाहेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होना चाहेंगे ठीक है वो कैसे एक्ट करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह है? तो इसमें यहाँ पर फोर एफ और फाइव डी सबशेल के अंदर बहुत ज़्यादा एनर्जी गैप होने की वजह से ही लिमिटेड नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ये शो कर पाते हैं ठीक है लैंथेनॉइड्स जो हैं इतनी कम ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो किस वजह से शो कर पाते हैं क्योंकि जो यहाँ पर एनर्जी गैप है एनर्जी गैप बिटवीन फाइव डी एंड फोर एफ ये एनर्जी गैप यहाँ पर बहुत ज़्यादा है लार्ज एनर्जी गैप जिसकी वजह से क्या होगा यहाँ पर ये लार्ज एनर्जी गैप की वजह से क्या होगा यहाँ पर लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमें देखने को मिलेंगी लिमिटेड ऑक्सीडेशन स्टेट ही हमें देखने को मिलेंगे ठीक है तो ये कुछ एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में हमने यहाँ पर देखा तो ये लेंथेनोइड्स में आपके आ, कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन होता क्या है एटॉमिक और आइनिक रेडियाई डिक्रीज क्यों करता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन कैसे वेरी करेगी यहाँ पर और कुछ इंपॉर्टेंट जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथेनॉइड्स ये देख लेते हैं अभी इंपॉर्टेंट जनरल करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर ये यह लेंथ कौन से शो करते हैं जनरल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लेंथ तो इसमें सबसे पहला यहाँ पर हमने जो एलिमेंट पढ़ना है लेंथ में जो फर्स्ट करेक्टरिस्टिक पढ़ेंगे यहाँ पर लेंथ हमारे पास में जनरली हाई डेंस मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई है ये यह यहाँ पर क्या शो करते हैं एलॉय फॉर्मेशन शो करते हैं एलॉय फॉर्मेशन शो करते हैं एलॉय फॉर्म करते हैं एलॉय कैसे बनाएंगे यहाँ पर ये यह? दूसरे मेटल्स के साथ में यहाँ पर ये एलॉय फॉर्मेशन शो करेंगे जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल ले लो यहाँ पर मिश एलोए ठीक है ये जो यहाँ पर मिश एलॉय है ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स यहाँ पर बनाते हैं रियर अर्थ एलिमेंट्स आयरन बहुत सारे ट्रेसेस ऑफ अदर एलिमेंट्स मिलके यहाँ पर ये एलॉय बनाते हैं ठीक है पायरोफोरिक एलॉय है तो ये सभी कुछ एग्ज़ाम्पल्स है यहाँ पर जो कि एलॉय फॉर्मेशन यहाँ पर ये आ, इनर डी ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो करते हैं स्पेशली यहाँ पर किसके साथ में ये कंबाइन करते हैं आयरन के साथ में आयरन यहाँ पर प्रेजेंट होगा आयरन के साथ में यहाँ पर ये कॉम्बिनेशन शो करते हैं ठीक है मिश मेटल uh, जो हमने यहाँ पर देखा इसके अंदर नाइन्टी फोर टू नाइन्टी फाइव परसेंट जो है वो आयरन ही प्रेजेंट है इसके बाद दूसरी जो प्रॉपर्टी है इम्पॉर्टेंट वो है इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ के अंदर ये बिहेवियर पैरा मैग्नेटिज़म का शो करते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर तो मैग्नेटिक बिहेवियर के अंदर यहाँ पर ये पैरा मैग्नेटिज़म का बिहेवियर शो करते हैं पैरा मैगनेटिज़म पैरा मैग्नेटिज़म क्या होता है पैरामैग्नेटिज्म के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण जब मैग्नेटिक फ़ील्ड में रखेंगे इनको तो वहाँ पर कुछ स्लाइटली uh, अट्रैक्टेड रहते हैं मैग्नेटिक फील्ड से ये सभी uh, जो कंपाउंड्स हम पढ़ रहे हैं लेंथेनॉइड्स के ठीक है तो पैरामैग्नेटिज्म जो है लेंथेनॉइड आयंस शो करते हैं पैरामैग्नेटिज्म कब uh, शुरू होता है जब एफ़ ऑर्बिटल्स के अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है प्रेजेंट होते हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे मैग्नेटिक मूवमेंट किस पर डिपेंड करेगा ऑरबाइटल और स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट पर ठीक है तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो किस पर डिपेंड करता है मैग्नेटिक मूवमेंट डिपेंड्स अपॉन औरबाइटल एंड स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है कलर क्योंकि इनके अंदर हमने अभी पढ़ा कि आ, जो एफ ऑर्बिटल्स है उनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है तो ये कलर्ड होंगे यहाँ पर ठीक है अपनी ट्राइवल एंड प्लस थ्री ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर और दूसरा यहाँ पर ये सॉलिड स्टेट में भी और एक्वा सॉल्यूशन के अंदर भी कलर्ड आयंस में ही प्रेजेंट होते हैं ठीक है क्योंकि इसमें एफ़ ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमारे पास में इनकम्प्लीटली फिल्ड हैं एफ़ ऑर्बिटल्स जो प्रेजेंट है वो इनकम्प्लीट हैं इनकम्प्लीट हैं इस वजह से यहाँ पर डी डी ट्रांजिशन जैसे हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स में देखा तो यहाँ पर एफ एफ ट्रांजिशन आपको देखने को मिलेगा पार्शली फील्ड एफ़ और बाइटल है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन देखो यहाँ पर फोर्थ है यहाँ पर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे शो करते हैं ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन कैसे शो करेंगे यहाँ पर तो लेंथ जो हैं वो बहुत ही कम डेंसिटी शो करते हैं ठीक है ठीके? क्योंकि इनका जो साइज़ है ये लो डेंसिटी यहाँ पर किस वजह से शो करते हैं क्योंकि इनका साइज जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है लेंथन का चार्ज भी बहुत ज़्यादा है ठीक है तो लेंथ डेंसिटी लो शो करते हैं ड्यू टू लार्ज साइज एंड हाई चार्ज हाई चार्ज और लार्ज साइज की वजह से ये यहाँ पर जो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं इनकी टेंडेंसी बहुत कम होती है कॉम्प्लेक्सेस uh, बनाने की जो भी कॉम्प्लेक्स बनाएंगे बहुत कम टेंडेंसी शो करते हैं इसके लिए ठीक है लो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्स लो टेंडेंसी टू फॉर्म कॉम्प्लेक्सेस इसके बाद देखो यहां पर फिफ्थ फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है यहाँ पर आयनाइजेशन इंथेलपी आयनाइजेशन एनर्जी तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पर क्या होगी आयनाइजेशन एनर्जी हमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना होता है लेंथेनोइड्स के अंदर से उसको बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी तो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है यहाँ पर ट्रांजिशन एलिमेंट्स की वो सिक्स हंड्रेड किलो झूल्स पर मोल है ठीक है और उसके बाद जो सेकेंड यहाँ पर आयनाइजेशन एनर्जी है वो लगभग टू हंड्रेड किलो जूल्स पर मोल है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी और फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क हो गया है यहाँ पर ये कैल्शियम के बराबर आयनाइजेशन एनर्जीज आ रही है थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा कम है आयनाइजेशन एनर्जी तो थर्ड है हमारे पास में वो लो है ठीक है वो लो है हमारे पास में यहाँ पर तो ये किस वजह से होती है लो आइनाइजेशन एनर्जी थर्ड आइनाइजेशन एनर्जी क्योंकि एक्सचेंज इंथेरेपी यहाँ पर जो है वो इस पार्टिसिपेट करती है उसको हम ध्यान रखते हैं यहाँ पर एक्सचेंज इंथेरेपी एक्सचेंज एनर्जी को ठीक है जिसकी वजह से स्टेबिलिटी आती है हाफ फिल्ड मॉलिक्यूल के अंदर और कंप्लीटली फिल्ड एफ की स्टेबिलिटी आती है तो लो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी